हमारा टॉपिक है वो है आपका मास कम्युनिकेशन, यानी कि जनसंचार कम्युनिकेशन। और जनसंचार कम्युनिकेशन कैसा होगा वो हम यहाँ पढ़ेंगे। अब जनसंचार मास कम्युनिकेशन, ठीक, क्या है समझ लेते हैं। देखिए, जो आपका जनसंचार है, पहले तो समझ लीजिए दो शब्दों से मिलके बना है, ठीक। इसमें जो ये जन वाली बात आ जाती है, ठीक है। जन क्या है, जन का अर्थ समझते हैं। जन का अर्थ हो गया है यहां पर जो आपकी भीड़ हो गई, जनता हो गई, उसको हम बोलते हैं जन, यानी कि भीड़ इसको आप बोल सकते हैं, या फिर समूह भी इसको आप बोल सकते हैं, ठीक है। जन का अर्थ होता है समूह, भीड़, व्यक्ति, लोग। अब जनसंचार का समझ लेते हैं, इसके माध्यम समझेंगे, क्योंकि ये जो शब्द है ना इसी में ही सारा निचोड़ आता है इसका। देखिए, मास कम्युनिकेशन, जनसंचार ऐसी एक प्रतिक्रिया है जिसके अंदर आप व्यक्तियों को जानते नहीं हैं, लेकिन फिर भी उनसे कम्युनिकेट करते हैं। आप बोलेंगे सर संभव कैसे है, बिल्कुल संभव है। आपने विश्व में कह लो, या चलो मैं इंडिया की बात कर लेता हूँ, ठीक है। हम लोग एक पर्टिकुलर स्थान ले लो, कोई पर्टिकुलर स्थान ले लो, इंडिया भी मतलब पर्टिकुलर कोई स्थान ले लो, एक स्थान हमने ले लिया। अब इसमें नंबर ऑफ काउंटिंग कितने लोग रहते हैं आपको भी नहीं पता। ये सब मान लीजिए डॉट डॉट जो मैं कर रहा हूँ ना, ये सब मनुष्य हैं, मानव हैं, जो लोग हैं वहाँ रहते हैं, वो किसी भी रूप में हो सकते हैं, ठीक। आप भी नहीं जानते उनको और वो भी आपको नहीं जानते, और फिर भी आपको अपनी बातें उनको पहुँचानी है, तो कैसे पहुँचाओगे। देखिए, जैसे आप टीवी का सहारा लेते हो, टीवी का सहारा कैसे, न्यूज़ आप चलती है न्यूज़, ठीक है, घर में न्यूज़ चैनल आप खोलते हो, डिफरेंट टाइप के चैनल आ जाएंगे, वो सब क्या करते हैं आप तक खबरों का आदान प्रदान करवाते हैं। क्यों करवाते हैं भाई, जिससे कि दुनिया में क्या हो रहा है आपको पता चले। तो ये क्या हो गया, एक कम्युनिकेशन का रास्ता हो गया, ठीक है। आपको बताते हैं, आजकल चल रहा है ना, जैसे न्यूज़ में चलता है कि कोई भी एक हाईलाइट टॉपिक ले लो कि भाई अमेरिका में क्या हो रहा है, ठीक है, या फिर इंडिया में अब प्राइम मिनिस्टर ने ये चीज़ की, इंडिया के अब ये राष्ट्रपति बन गए, तो ये सब क्या है, क्या आप राष्ट्रपति को जानते हो, या प्राइम मिनिस्टर की आपके पर्सनल उठना बैठना है, प्राइम मिनिस्टर आपसे कुछ पूछ रहा है, बताइए, नहीं ना, ठीक। या फिर जो भी व्यक्ति है, किसी का मान लो किसी का मर्डर हो गया, किसी को मार दिया, मारना, ठीक है, किसी को मार दिया, किसी ने लिया रामपुरी घपाक से घुसाया पेट में, बंदा ख़त्म, या गर्दन काट दी, कुछ भी हो सकता है, ट्रक चढ़ा दिया, क्या हुआ, आप जानते हो जिसको मारा, नहीं ना, फिर भी आपको उसके बारे में खबर मिल जाती है कि फलाना जगह पर इस वजह से ये बंदा मार दिया गया, ठीक। तो जब जो मारा गया ना, उसका आपसे कोई रिश्ता ना आपका उसका कोई रिश्ता, एकदम अनजान, फिर भी आप उसके बारे में जान लेते हो। किसी ने कोई अच्छी कोई खोज की, कोई समाज के लिए अच्छा कार्य किया, ठीक है, तब भी आप उसको जान लेते हो, कैसे, टीवी, न्यूज़पेपर, ठीक, आजकल जो ट्रेंड में है फेसबुक, व्हाट्सअप, ट्विटर, ठीक है, ये मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, पूरा लिखने का बहुत टाइम लग जाएगा बेकार में, और कौन कौन से हो सकते हैं, यूट्यूब और कोरा, और बताइए, सोचिए, कमेंट सेक्शन में बता सकते हो यार, वैसे कमेंट सेक्शन तो क्या लूँ आप लोगों से यहाँ पर, ठीक है। और आपका हो गया सबसे बढ़िया तो कॉमन चीज़ है नेट, ठीक, उसके बाद पोस्टर, जो ये पोस्टर हो गया, पोस्टर कैसे, देखिए बाकी सब तो आप समझ लेंगे कि आप इससे कम्युनिकेशन होता है, लेकिन पोस्टर कैसे होगा समझिए। आपके मोहल्ला, जगह, या कोई एरिया कह लो पर्टिकुलर, ठीक है, या कोई शहर कह लो, या कोई डिस्ट्रिक्ट कह लो, जिसमें किसी नेता की सभा होने वाली है, या फिर कोई भी व्यक्ति, शाहरुख खान आने वाला है ये समझ लो, नेता छोड़ो, ठीक है, शाहरुख खान आने वाला है, आपको पता थोड़ी शाहरुख खान आने वाला है, किसी दो या एक व्यक्ति को पता है, लेकिन शाहरुख खान ने बोला भाई ऐसा भीड़ इकट्ठी होनी चाहिए तभी मैं आऊँगा, बोला अच्छा भीड़ इकट्ठी करनी है, ठीक है, उनने क्या किया,
बड़े बड़े पोस्टर छपवाकर दीवारों पर लगवा दिए। ठीक, उसने जहाँ लिखा है ना दीवार पर पोस्टर लगाना सख्त मना, उसने वहाँ भी चिपका डाले कि यहीं लगाऊंगा, अब तो मना कैसे किया उसने। ठीक, हालांकि इस बात पर बंदा भड़क जाता है, वो बंदा कर लेगा शाहरुख खान आ तो क्या मेरी दीवार खराब करेगा तेरी इतनी हिम्मत, लेकिन पकड़ेगा इसको जा करके वो। ठीक है, वो बोलेगा मैंने तो लगाया किसी बंदे को पहले लगवाया तो उन्हें लगा दिए होंगे, किसे पकड़ेगा, नहीं कर सकता कुछ भी। तो ये पोस्टर भी एक माध्यम बन गया, इससे क्या हुआ, जिसकी नज़र उस पोस्टर पर पड़ेगी वो तुरंत देखेगा अच्छा शाहरुख खान आ रहा, कब आ रहा है, समय भी उसमें बताया गया, स्थान भी बताया गया, मिलने के लिए चलो जी चलते हैं मिलने, शाहरुख खान देखने तो बनता है, शाहरुख खान आ रहा भाई। तो क्या हो गया, आपको एक सूचना मिल गई, किससे, जनसंचार के माध्यम से, यानी कि मास कम्युनिकेशन के माध्यम से एक सूचना आपको मिल गई। तो पोस्टर का रोल भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और एक रोल होता है क्या, वो मैं प्राइवेटली आपको बता रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं उसको हम लिखे व्यक्त करें, आपने देखा है काना फूसी चुगली टाइप का होता ना, पड़ोसी पड़ोस में क्या चल रहा बताते रहते हैं, कुछ होती ना महिलाएं जो होती हैं, अरे उसके घर में ये चल रहा है, अच्छा उसके घर में वो चल रहा है, उसने ऐसा कर दिया उसने वैसा कर दिया, ये क्या है, वो जानते भी नहीं, अरे शर्मा जी घर में तो ये चल रहा है, शर्मा जी ने तो ये कर दिया, कौन शर्मा जी भाई, जानते भी नहीं लोग, लेकिन फिर भी शर्मा जी का नाम आता है, वर्मा जी का नाम आता है, ठीक है बत्रा जी का नाम आता है, जान भी ना पहचान मैं तेरा मेहमान वाली बात होती है, लेकिन चलती है, ये क्या है, कम्युनिकेशन हो रहा है एक प्रकार से। ठीक, तो जो कम्युनिकेशन चल रहा है पूरा भीड़ का हिस्सा है, इसमें ये समझ लीजिए कि एक पर्टिकुलर एरिया हो गया, उसकी जो भीड़ हो गई उस सब तक सूचना पहुंचाना, और सूचना ऐसा नहीं है कि तत्काल ही पहुंचा दो, तत्काल पहुंचा दो, अब सोचिए मैं आपको बताता हूँ, हिस्ट्री आप लोगों ने पढ़ी होगी तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज पढ़ी होगी इसमें, 1857, ठीक है, जो मैं भी पढ़ाऊंगा यहाँ पर, ऐसी बात नहीं, 1857 को मैं पढ़ाऊंगा आपको, तो 1857 के अंदर हम लोग उसे कारण बताते हैं कि भाई फेल क्यों हुआ, कहते हैं ना सूचना के आदान प्रदान की कमी, क्या उस जमाने में टीवी था, हाँ फेसबुक व्हाट्सएप ट्विटर यूट्यूब कोरा इंटरनेट ये सब था उस जमाने में, उस जमाने में था तो क्या था, केवल न्यूज़पेपर, कबूतरों के माध्यम में चिट्ठी, तार भेजना, चिट्ठी तो थी तो इन माध्यम में, चिट्ठी भी आया, मैं चिट्ठी लिखना भूल गया, लेटर इसको बोल रहे हैं, लेटर ये भी सूचना का एक माध्यम है संचार में। तो सब क्या है, इन सब के ना होने की वजह से, ये सब चीज़ें नहीं अवेलेबल थी उस टाइम पर, ठीक है, इन सब के ना होने की वजह से 1857 में सूचना नहीं मिल पाई, क्रांति छिड़ी हुई है, सूचना मिलने में देरी हुई। अब जब एक बात सोचो कि आपको बता दी जाए कि जंतर मंत्र पर धरना देना है, ठीक है, एक दिन कर लो दो दिन कर लो, सूचना आपको नहीं मिल रही, आप क्या होगा यार, बेकार की बात है हटा, मतलब आपका जो उबलता हुआ खून एकदम जोशीला खून वो ठंडा पड़ जाएगा जा करके, ठीक, और जब आपका खून ठंडा पड़ जाएगा तब समझ लो सब बेकार, आप क्या होगा हम नहीं जा रहे यार छोड़ पर बेकार की चीज़ें, यही बात करूँगा ना। लेकिन अगर आपका खून गर्म रहेगा, गर्म किस रहेगा, सूचना के माध्यम से, अरे उसने ये कह दिया अच्छा ऐसा कहेगा हम ऐसा करके दिखाएंगे, हम वैसा करेंगे, अपोजिट करेंगे या पॉजिटिव वे में करेंगे, तब क्या होगा, ये सब किससे पॉसिबल होगा, इनसे। अगर उस टाइम पर 1857 में सारी फैसिलिटी मौजूद होती तो शायद आज़ादी तभी मिल गई होती, ठीक, 1947 की जरूरत ना पड़ती, 100 साल ना लगते हो आगे, 110 साल के आसपास लग गए सोचो, ठीक है। तो ये है मास कम्युनिकेशन। अब इसके अंदर इसकी विशेषता क्या है, इनको जान लेते हैं, विशेषताओं में पहली विशेषता संपर्क स्थापित करना। देखिए इसमें क्या होगा कि एक विशेष भूभाग कह लो, ठीक है, जो लैंड का एरिया हो गया, कोई क्षेत्र कह लो, मान लीजिए ये एक क्षेत्र हमने ले लिया, ठीक है, इस क्षेत्र में रहने वाले जो लोग होंगे इन लोगों से संपर्क स्थापित करना, ये भी इसकी एक विशेषता हो जाएगी। अब जो कैसे होगा, देखिए संचारक जो है यहाँ पर वो क्या होगा, प्रपक बनाएगा, संचारक प्रपक से संपर्क स्थापित करेगा, संचारक तो एक ही होगा लेकिन वो प्रपक जी सब जो होंगे वो उसके लिए प्रपक होंगे, ठीक है, और उनसे वो कम्युनिकेट करेगा। अब वो कम्युनिकेट का जो साधन है माध्यम वो मैंने बता दिया, इसका भी अपना फायदा है, कैसे, अब सोचिए कि कोई आपने खोज की, ठीक है, या फिर कोई अच्छा कार्य किया
और वो किसी को पता ही ना चले, या फिर आप के बगल वाले का मर्डर हो गया, आपका ही हो जाए, सोचिए आप टपक जाओ, मर जाओ, मर्डर आपका हो जाए और आपकी खबर ना आए किसी को, रहे तो आपको कैसा महसूस होगा? बुरा लगेगा ना। या फिर आपका कोई रिश्तेदार है, उसको खबर ना हो, कहीं मिसिंग हो जाए, खो गया मान लीजिए, आप क्या करोगे? ढूंढोगे। ढूंढोगे कैसे? क्या दुनिया उसको जानती है? नहीं जानती। आप ही जानते हो? क्या आप दुनिया को जानते हो? नहीं जानते। लेकिन फिर भी आप कम्युनिकेट करोगे, किससे करोगे? संपर्क स्थापित करने की कोशिश करोगे, फेसबुक पे जाओगे, उसके पोस्ट डालोगे, फोटो डालोगे, होता ना कि ये चीज़ खो गई है भैया, किसको मिले तो कृपया इस पते पहुँचा दें, और आकर्षक इनाम भी पाएँ, इनाम की उम्मीद भी होती है। पुलिस क्या करती है, जब किसी क्रिमिनल को पकड़ना होता है, उसके सर पर इनाम रख देती है, उसके बारे में पूरा खबर फैला देती है दबा के कि पकड़ना है। हालांकि सब क्रिमिनल के बारे में ऐसा खबर नहीं फैलाती, क्योंकि कुछ कुछ डेंजरस भी होते हैं, तो जो खतरनाक है उनको अलग हटा दो, लेकिन मैक्सिमम टाइम पे यही होता है। पुलिस क्या करती है? पुलिस कहती है ना, सहयोग करो हमारा। अब क्या पुलिस अपने ऐसे बोलती है एक को, भाई हमारा सहयोग करो, तो एक सहयोग करेगा। वो क्या करते हैं? टीवी के माध्यम, सरकार भी यही काम करती है, सबके सब संपर्क स्थापित करने की कोशिश करते हैं। किससे? जो भूभाग में रहने वाले। अब कोई चंद्रमा पर रह रहा है, जाकर चंद्रमा चला गया, अब उसको लगा चंद्रमा पर संपर्क स्थापित कराओगे, क्या करेगा भाई? उसका धरती पर कोई काम है इस टाइम पर? सीधी बात है, धरती पर काम ही नहीं है। धरती पर जब धरती पर अवेलेबल नहीं है, तो क्या आप कोई पानी में बैठा नीचे करके खोज में लगा हुआ है ही नहीं भाई धरती पे, तो क्या करें उसका? तो एक स्पेशल भूभाग की बात कर रहे हैं आप यहाँ पर। अब ऐसा तो ऐसा भी नहीं है कि एक व्यक्ति खो गया, समझिए मान लीजिए कोई व्यक्ति दिल्ली में खो गया। अब उसे पता दिल्ली में खो जाए, तो पहले जो लोगों संपर्क स्थापित करेगा वो दिल्ली के लोगों से करेगा ना, दिल्ली में जितने लोग रह रहे हैं उससे संपर्क स्थापित करेगा वो। अब उसको बोल दिया भाई तू एक काम कर, मुंबई में जाकर पोस्टर लगवा दे, ये व्यक्ति दिल्ली में खो गया है। तो मुंबई वाला बोला बहुत बेवकूफ़ आदमी है भाई, खोया दिल्ली में, ढूंढ मुंबई में रहा है। हालांकि उसको किडनैप करके ले आया जा सकता है, वो एक अलग कंडीशन है, लेकिन जो पहल वो इंसान करेगा कहाँ से करेगा? वो दिल्ली से ही करेगा कि यहाँ खो गया, कंप्लेंट भी यहाँ लिखवाएगा। ऐसा तो नहीं जाकर सीधा कंप्लेंट मुंबई में लिखवा देगा कि भाई चलो मुंबई चल रहे हैं या फिर मद्रास चल रहे हैं, वहाँ जा सकता है? जा सकता है, वो तो आउट ऑफ इंडिया भी ले जा सकता है कि उसको इंडिया के बाहर ले जाओ, लेकिन स्टार्टिंग कहाँ से होगी संपर्क करने की? वो होगी उस विशेष भूभाग से जहाँ पर वो खोया है। ठीक है, तो इसकी ये पहली विशेषता थी। अगली विशेषता इसकी देखते हैं, संपर्क का समान रूप। देखिए कैसे, आप किसी विशेष भूभाग में या फिर जो भी लैंडमास है, जो संचारक है, ठीक है, संचारक जो है आपका, वो प्रपक को कोई जानकारी दे रहा है। जानकारी जो दे रहा है, मान लीजिए ये जो लोग हैं इनको जानकारी मिल रही है, इनको जानकारी दी जा रही है। अब अगर मान लीजिए, मैंने वो मिसिंग वाला आपको एग्जांपल दिया, वो एग्जांपल लेके चलता हूँ। अगर मान लीजिए कि ये जो संचारक है ये बोलता है सभी को कि भाई मेरा एक मित्र मिसिंग है। अच्छा जी, मित्र खो गया, ओके खो गया। ये पूछ रहा है भाई कौन था मित्र, बोलेगा मेरा फ्रेंड था, लड़का था। अच्छा, अब दूसरा पूछ रहा है कौन था मित्र, बोलेगा मेरी गर्लफ्रेंड थी। अच्छा, तीसरा बोलेगा कौन था मित्र, बोलेगा मेरी बीवी थी। अच्छा जी, चौथा बोलेगा कौन सा मित्र, मेरा भाई था। अब इसने क्या किया कि जितने लोगों ने इनसे पूछा, उतनों को इसने अलग अलग जानकारी दे दी। ठीक है, सबकी जानकारी बदल दी इसने, किसी को एक जैसी जानकारी थी ही नहीं। अब क्या करेंगे लोग, ढूंढेंगे, अरे यार उसका भाई खो गया, अरे नहीं उसकी तो बीवी खोई है, यार उसकी तो बहन खोई है, उसकी तो गर्लफ्रेंड खोई है, तो ये निकल के आएगा माइंड में। ठीक है, तो यहाँ पे संपर्क का समान रूप दिखाई दिया, नहीं, रूप बदल गया, चीज़ें बदल गई। अब भाई खोया भले दादा हो उसका कि दादा खो गया, लेकिन वो ढूंढवा किसको रहा है, किसी और को, तो फ़ायदा क्या हुआ संपर्क का? तो यहाँ क्या होगा, जब मास कम्युनिकेशन में आप जाएंगे तो संपर्क का समान रूप, एक व्यक्ति को जो जानकारी दी जाएगी, सेम जानकारी जो बचे हुए व्यक्ति होंगे उन सबको भी दी जाएगी। अब वो मान लीजिए बोलता है कि भाई मेरे दादाजी खो गए। अच्छा जी, अब उसने क्या किया, टीवी, ठीक है, इंटरनेट, जो भी इंटरनेट में आप फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सअप ये सब डाल सकते हो, क्या ना, व्हाट्सअप पे वाट लगा देंगे, ट्विटर पे ट्विस्ट कर देंगे, ठीक, फेसबुक पे तो तनी क्या क्या कर देंगे। तो उन सब के माध्यम से वो अपने दादाजी को ढूंढ रहा है। अब उसने जिसको भी
चाहे वो जानता हो या ना जानता हो, उनको जो जानकारी दी वो एक समान जानकारी दी। यहाँ पे जो जानकारी का रूप हुआ वो एक समान हुआ। ऐसा नहीं है कि ट्विटर पर उसने अलग जानकारी भेज दी कि कृपया मेरे भाई को ढूंढवा दीजिए, और फेसबुक पर उन्होंने अलग जानकारी भेज दी कृपया मेरे दादाजी को ढूंढवा दीजिए, मिसिंग है, ठीक है, और पुलिस को अलग जानकारी दे दी कि मेरे तो पापा मिसिंग है, तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा। समान जानकारी ही महत्वपूर्ण विशेषता है मास कम्युनिकेशन की, हर किसी को समान जानकारी। अब यहाँ पे अमीरी गरीबी का डिफरेंस भी नहीं आ सकता कि अमीर को आपने जानकारी दी कि भाई उसने हाथ में रोलेक्स की घड़ी पहनी हुई थी, उसके कपड़े जो ने सूट पहना वो रेमंड का था, ठीक है, और बाटा के उसने जूते पहने हैं, ये अब आप अमीर को जानकारी दे रहे हैं। अब गरीब कोई पूछ रहा है कि अच्छा भैया कहाँ खोया, अरे बोले यार बनियान था उसके पास में, उसने एक शॉर्ट पहनी थी और क्या कहते हैं बस ऐसे टी शर्ट में निकल लिया या फिर बनियान में निकल लिया, उनने अंदर के कपड़े बता दिए उसको, उसको बाहर के कपड़े बता दिए, तो क्या जानकारी अलग अलग हो गई ना। तो जानकारी जो करेक्ट है, एग्जैक्ट है, फैक्चुअल है, वही दी जाएगी। हम फ्लेक्सिबल नहीं हो सकती जानकारी किसी भी प्रकार से। अगर आप जानकारी को फ्लेक्सिबल करने की कोशिश करेंगे तो संपर्क का जो रास्ता होगा, जो माध्यम होगा, वो टूट जाएगा, बिखर जाएगा आपका, ठीक। तो जानकारी एकदम समान रूप से होगी किसी को भी, किसी को भी आप जानकारी दे रहे हैं। अब हम बात करेंगे इसकी तीसरी विशेषता की। तीसरी विशेषता क्या, उसको देख लेते हैं। संचार का जो माध्यम है, ठीक है, जो हम मास कम्युनिकेशन की बात कर रहे हैं उसमें संचार का माध्यम होगा उसको संप्रेषित करना। कैसे होगा? देखिए, संचार द्वारा आप संदेश दे रहे हैं और संदेश को सबको इक्वली आप डिवाइड कर रहे हैं, संप्रेषित कर रहे हैं, बता रहे हैं, और एक तरह से समझ लीजिए कि आपने विशेष प्रकार की वो लिस्ट सी बना ली, ठीक है, और वही लिस्ट सबको आप दे रहे हैं, ठीक। अब देखिए कभी कभी क्या होता है कि आप न्यूज़ चैनल ओपन करते हैं, ठीक, आपने टीवी पे गए, आप न्यूज़ चैनल आपने खोला टीवी पे, अब यहाँ पर हो गया आज तक, हो गया NDTV हो गया, ठीक है, जी न्यूज़ हो गया आपका, और कौन कौन से न्यूज़ है भाई, और भी होंगे यार बहुत से, ठीक, तीनों का एग्जांपल ले लेते हैं, छोड़ो बाकी मैं इतना मेरी पूछना चाहता। अब ये तीनों जो न्यूज़ चैनल हो गए, ठीक है, क्या ये आपको एक समय में एक ही जानकारी दे रहे हैं? सोचने की बात है। आप डेली न्यूज़ देखते हैं तो 9 बजे इसमें कोई शो चलता है, ठीक है, इसमें 9 बजे कोई शो चलता है, इसमें कोई शो चलता है, तीनों का समय के अनुसार जानकारी अलग अलग है, लेकिन जानकारी आपको देते हैं। कोई आदमी मिसिंग है, किसी का खून हो गया, मर्डर हो गया, उसके अनुसार ये जानकारी इनके अनुसार इम्पोर्टेंट है, ये दे रहे हैं पहले आपको, कहते ना सबसे पहले हमारे चैनल पर देखिए, हम बताते हैं सच का आईना क्या है, ठीक। NDTV वाले कहते हैं हम ये जानकारी आपको पहले बता चुके हैं, क्या होना चाहिए इसमें, क्या होना चाहिए, इसको ढूंढना चाहिए कि नहीं ढूंढना चाहिए, वो इस तरह से बता देंगे आपको। जीनीज वाले दिखावे पे ना जाएं, अपनी अकल लड़ाएं, जो हम बता रहे हैं वही सही है, दूसरा गलत है, तो ये क्या होगा? जानकारी संदेश को आप संप्रेषित कर रहे हैं यहाँ पर एक प्रकार से, ठीक है। अब यहाँ पे कोई बहुत महत्वपूर्ण जानकारी, मान लीजिए, वैसे ऐसा होना नहीं चाहिए कि एक बार आपने सुना होगा कि पार्लियामेंट पे अटैक हो गया था, अटैक कर दिया था, ठीक है, आतंकवादियों ने कुछ हमला कर दिया, तो क्या अब ऐसा हो सकता है कि उस जानकारी को रोक कर कोई और जानकारी, जैसे कि अभी हाल ही में हमारे पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का निधन हो गया, ठीक है, जिसको पता लगा न्यूज़ चैनल, उन्होंने क्या किया, सब ने इस खबर को फैलाना शुरू कर दिया। अब अटल बिहारी वाजपेयी जी सबको जानते थे? नहीं। क्या सब अटल बिहारी वाजपेयी को जानते थे? नहीं। लेकिन खबर बनी, फैलाई गई, ठीक, और क्या हुआ कि हर चैनल ने एक साथ भी उस खबर को दिखाया। यहाँ इंपॉर्टेंट क्या है, न्यूज़ कोई आम आदमी मर जाए तो क्या दिखाया जाता है कि आम आदमी मर गया? नहीं। लेकिन यहाँ पर कोई विशेष आदमी की मृत्यु हुई और खास आदमी की मृत्यु हुई, तब क्या किया, सभी चैनल ने स्पेशल दिखाया। अब कोई छोटा न्यूज़ चैनल है जो आपके कोई गली, मतलब जो आपके एक डिस्ट्रिक्ट को कवर कर रहा है, छोटा न्यूज़ चैनल है, उस डिस्ट्रिक्ट में कोई मर गया, वो दिखा देगा कि यहाँ पे देखो ये यहाँ के सोशल वर्कर थे, इनकी मृत्यु हो गई है वो। लेकिन क्या वो इन तीनों बड़े चैनल को लिए कोई खास खबर होगी? कहेंगे अब अटैक कौन दिखा रहा है इसको, ठीक है। तो इस प्रकार से है यहाँ पर, ठीक। इसकी अब चौथी विशेषता हम लोग देखते हैं, संदेश संप्रेषण के लिए
सार्वजनिक जो संचार है उसके माध्यम की बातें की जाती है, ठीक है। सार्वजनिक संचार का माध्यम, देखिए संदेश संप्रेषण के लिए जब सार्वजनिक संचार की के माध्यम की बात की जाएगी, अब जो सार्वजनिक संचार हो गया वो कैसे हो गया, कौन कौन सा होते हैं सार्वजनिक संचार, यहाँ पे जब बात आई थी, अब यहाँ कोई ऐसा तो नहीं हम बोल रहे हैं प्राइवेट संचार की बात, ठीक है। प्राइवेट संचार में आपका क्या हो गया, तरह से ग्रुप भी हो गया, जैसे भी मैंने आपको ग्रुप कम्युनिकेशन के बारे में बताया था, तो ग्रुप भी आपका सार्वजनिक से बाहर निकाल देते हैं हम, क्यों, हालांकि वो ग्रुप बना हुआ है लेकिन वो ग्रुप आपका प्राइवेट ग्रुप हो सकता है, वो पब्लिक ग्रुप आप उसको कतई भी नहीं बोल सकते। अब जो प्राइवेट ग्रुप की बात है तो वहाँ क्या है भाई, ग्रुप में चार लोग भी हो सकते हैं, पांच लोग भी हो सकते हैं, लेकिन जब यहाँ पे विशेषता हम बात करेंगे जनसंचार की, तो यहाँ पे चीज़ों को सार्वजनिक रखा जाएगा। अब सार्वजनिक में क्या क्या आएगा आपका, सभी वैसे वो माध्यम जिससे जनता डायरेक्टली जुड़ जाती है, कनेक्ट हो जाती है, वो माध्यम कौन कौन से हो सकते हैं आपके, संचारक की बात हम करें लेकर के, तो उसके अनुसार माध्यम कौन से होंगे, टीवी, न्यूज़पेपर, ठीक है, और आपका वही ट्विटर, फेसबुक, और भी डिफरेंट जो सोशल मीडिया हैं वो सब जो चलेंगे आपके, वो संचारक के अंतर्गत आ जाएंगे आपके। अब जो संचारक में सार्वजनिक की बात आ गई, उनके द्वारा कनेक्ट जब हम कर रहे हैं इस चीज़ को, तो ये हो जाएगा हमारा संदेश संप्रेषण के लिए संचार का माध्यम। अब सोचिए अगर हम सार्वजनिक चीज़ों का उपयोग यहाँ पर ना करें, सोचिए सार्वजनिक चीज़ों का अगर हम उपयोग ना करें तब क्या ये जा सकता है संदेश, नहीं, मैंने मान लीजिए अपने मोबाइल में रखा, ठीक है, और अपनी ईमेल से अपने फ्रेंड को भेज दिया, गया तो ईमेल के थ्रू अपने फ्रेंड को एक मेल सेंड कर दिया, वो एक बंदे के पास गया, सबके पास वो नहीं गया, ठीक। अब मैंने उठाकर वो पेज वो पे फेसबुक पर अपलोड कर दिया, सोचिए मैंने कोई पोस्ट उठाया और फेसबुक पर अपलोड कर दिया, और वहाँ पर मैंने ऑप्शन डाल दिया कि जो मेरे ग्रुप के बंदे ना केवल वो इसको देख सकें, या फिर जो मेरे कुछ खास जो म्यूचुअल फ्रेंड है वो देख सकें, ऐसा मैंने ऑप्शन डाल दिया। ऑप्शन डालने के बाद क्या होगा, क्या पूरी जनता उसको देख सकती है, नहीं, लेकिन जब मैं उसको पब्लिक कर दूंगा कि पूरी पब्लिक उसको देख पाए, वर्ल्ड में जितने लोग देख पाए, तो जिसके पास ही पहुंचे सबके साथ देखेंगे, एक दूसरे को भेजेंगे, फॉरवर्ड करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया हमारे तरफ से सार्वजनिक संचार का माध्यम हो गया। इसके थ्रू क्या होता है कि आप अपने विचारों का आदान प्रदान आराम से तरीके से दूसरों तक कर सकते हो, ठीक, ऐसा नहीं, लेकिन हाँ अब ऐसा भी नहीं कह सकते कि आपने कोई चीज़ की, मतलब आपने कोई विचार भेजे अपने, ठीक है, कोई संदेश भेजा, यहाँ पर कोई टाइम फिक्स नहीं होगा कि कितने लोग कितने टाइम में उसको देख लेंगे, क्या पता एक घंटे तक एक भी इंसान ना देखे, होता ना आप YouTube पे वीडियो डालते कोई बना करके, एक एक दिन निकल जाता पूरा पूरा, कोई इंसान उसको देखता ही नहीं है, आपने तो क्या किया भाई, पब्लिकली उसको डाल दिया, पब्लिक कर दिया आपने, लेकिन कितने लोग उसको देख रहे हैं इस बात का फैसला आप थोड़ी करोगे, इस बात का फैसला तो उन्हीं के ऊपर रहेगा, ठीक है। आप उसको सार्वजनिक कर सकते हो, संचार का माध्यम इसको अपना सकते हो, अपना संदेश दे सकते हो, लेकिन आप इस बात पर डिपेंड नहीं सकते, आप अड़ नहीं सकते कि नहीं एक घंटे में कम से कम 1,00,000 लोगों को देखना चाहिए, कैसे संभव है, किसी का मन ही नहीं देखने का, आधे लोगों ने फेसबुक चलाना बंद कर दिया, यूट्यूब चलाना बंद कर दिया, आप क्या कर लोगे, कुछ नहीं कर सकते। इसीलिए केवल एक माध्यम में आप यहाँ डिपेंड नहीं सकते, आपको सारे सार्वजनिक माध्यम, ये सार्वजनिक यहाँ पर शब्द यूज किया गया है उसका मतलब ये है कि आप सभी को एक साथ ऐड कर रहे हैं, सभी का उपयोग एक साथ कर रहे हैं, ठीक है। अब इसके बाद हम अगले पॉइंट पे चलते हैं, इसके पांचवा जो इसका पॉइंट है उस पर चलते हैं। पांचवी विशेषता है इसकी औपचारिक व व्यक्तिगत संगठन होना, औपचारिक व व्यक्तिगत संगठन होना। देखिए इसको समझते हैं कैसे, जब भी आप मास कम्युनिकेशन की बात कर रहे हो तो वहाँ पे व्यक्तिगत जो है वो एक इम्पॉर्टेंट रोल अदा करता है। देखिए जो भी आप लैंडमार्क चूज कर रहे हो, ठीक है, जिसमें भी आप मास कम्युनिकेशन की बात कर रहे हो, जिस भी एरिया में, वहाँ पे जब आप व्यक्तिगत की बात करते हो, ठीक, अब यहाँ पर क्या व्यक्तिगत संगठन होना, जो संगठन होगा, मान लो जैसे अभी हमने ग्रुप वाला पढ़ा था, एक ये संगठन है और इस संगठन की पकड़ इतने इस गुरु यहाँ के इस जो लैंडमार्क है उसके इतने एरिया में है, ठीक है, इस संगठन की पकड़ इतने एरिया में यहाँ पर है,
और एक और संगठन ये है, इसकी जो पकड़ है वो इतने एरिया में है, ठीक। तो इससे क्या होगा, इसे संचार आप करेंगे, जनसंचार आप करेंगे तो इन दोनों के माध्यम से आपने इन दोनों को बोला कि भी जाइए और ये बात फैलाइए, ठीक है, ये सूचना दीजिए, तो ये दोनों क्या करेंगे, अपने अपने सोर्स से यहाँ पर और यहाँ पर सूचना देंगे, ठीक। तो आपको सबको सूचना ना देने के बजाय इन दो को एक हथियार की तरह आपने यूज़ कर लिया, हथियार कहूँ या मैं इसे साधन कहूँ, साधन का ज़्यादा अच्छा होता, हथियार तो बड़ा खासा वर्ड लगता है यार, ठीक है। तो ये जो दोनों होंगे साधन होंगे आपका संचार करने के लिए। अब देखिए, जबकि इन्होंने यहाँ पे कर दिया, ठीक है, तो ये वाला जो हिस्सा हो गया बीच वाला, अब यहाँ पे यहाँ के लिए साधन तो नहीं है, लेकिन एक दूसरे के माध्यम से ही यहाँ पे चीज़ें पता चल जाएंगी, यहाँ पे पता लग जाएगा भाई, इनके माध्यम से चीज़ें पता लग जाएगा कैसे भाई, अच्छा यहाँ पर कम्युनिकेशन होना चाहिए, ये हो रहा है, ऐसी चीज़ें आ जाए समाचार के माध्यम से या न्यूज़ के माध्यम से, किसी माध्यम से वो पता लग सकता है आपको, ठीक। तो इसे हम कह सकते हैं औपचारिक संगठन, औपचारिक व्यक्तिगत संगठन होना। और मास कम्युनिकेशन में ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है, किसमें, जो आपका संचारक हो गया और प्रेपक में, ये मात्रा डाली प्रेपक में, ठीक है, संचारक के माध्यम से। संचारक यहाँ पे कौन कौन है, एक प्रकार से संचारक ये भी हो गया और संचारक आपका ये भी हो गया, दोनों भैया आप इनको भी संचारक कह रहे हो ना, क्योंकि आपने अपना संचार से इनको कम्युनिकेट किया और ये दोनों आपको जनता से जोड़ रहे हैं, ठीक। होता है ना कभी कभी आप कुछ एजेंट बीच में होते हैं, आपको पता लगता है भाई एजेंट है, और आप एजेंट से क्या कहते हो कि सर हमें ऐसे से जनता से कॉन्टैक्ट करना है, वो बोलते हैं ठीक है मैं आपसे इतने रुपए लूँगा और इतने लोगों को आपका मैसेज दूंगा, होता ना कि पैसों के बदले मैसेज भेजना, तो वो भी क्या है, सूचना देना, संपर्क करना। आप मोबाइल खोलते हो तो आते ना उसमें कि आज ये वाला ऑफर चल रहा है, आज वो वाला ऑफर चल रहा है, ठीक है। अब फेसबुक पर यूज़ कर रहे हो तो फेसबुक पर आपको विभिन्न प्रकार के ऐड आते हैं, आपको देखने को मिलते हैं, ठीक। सब क्या है कि एक दूसरे के माध्यम से, जन संगठन के माध्यम से, ठीक है, जो व्यक्तिगत संगठन है उसके माध्यम से आपके द्वारा संचारक क्या कर रहा है, आपसे संपर्क करने की कोशिश कर रहा है और संपर्क हो रहा है, तो उसी को बोलते हैं हम जन संचार संपर्क की एक विशेषता है ये भी। अगली विशेषता इसके देखते हैं, अगली विशेषता में क्या कहते हैं, देखिए छठी विशेषता कहती है एक ही समय में संपर्क स्थापित करना, ठीक। अब देखिए एक ही समय में कैसे है, जब आप किसी भूभाग की बात करते हैं, ठीक है, मान लीजिए आपने ये भूभाग हुई, मैं उदाहरण वैसे दे रहा हूँ, अब आप इसको चार पार्ट में बांट लीजिए, ठीक, चार अलग अलग पार्ट हो गए। अब मान लीजिए मैं इसको कहता हूँ ये दिल्ली हो गया, ये हो गया मुंबई, ये आपका कोलकाता हो गया, ये हो गया आपका चेन्नई, चार पार्ट में आपने इसको बांट लिया एक एरिया को, ठीक। अब ये कहते हैं कि आपको इनसे संपर्क करना है। अब मान लीजिए आप सोचें कि भाई मंडे को मैं यहाँ न्यूज़ दूंगा दिल्ली में, ट्यूसडे को मैं दूंगा कोलकाता में, वेडनेसडे को दे सकता हूँ मैं चेन्नई में, और थर्सडे को मैं दूंगा, सॉरी थर्सडे को मैं दूंगा मुंबई में। तो कहेगा यार ये क्या बजा हो गया भाई, हमारे तो ऐसे दिन खराब हो जाएंगे, और पता लगा आपको कोई कार्यक्रम जो भी करना है वो तीन दिन में करना है, तो यहाँ चार दिन लगा रहे हैं, या दो दिन में करना है, ठीक, या फिर सूचना देनी है ऐसी कोई कोई खास सूचना है, तो ये क्या करेंगे कि यहाँ पर एक ही समय में संपर्क स्थापित करना होता है, किसमें, जनसंचार की विशेषता है। किसी और माध्यम जाएंगे तो ऐसा समय हो सकता है, लेकिन जब आप जनसंचार यानी कि मास कम्युनिकेशन का माध्यम अपनाएंगे तो एक ही समय में विश्व के विभिन्न भागों से आप संपर्क स्थापित कर पाएंगे, ठीक है। अब यहाँ क्या होगा, इन दिनों की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, एक सेम समय, ठीक है, एक ही टाइम, एक टाइम में आप इस पूरे को कवर कर पाएंगे अपने सूचना के साधन के रूप में, ठीक है। अब यहाँ जितने लोग भी रह रहे होंगे इसमें 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 इन सबसे आप संपर्क स्थापित कर लेंगे, और जब संपर्क इन सबसे आप स्थापित कर लेंगे तो आपकी सूचना जो संचारक है उसकी जो सूचना है वो प्रेपक के पास पहुंच जाएगी, ठीक। अब इनको पता लग जाएगा भाई ये चीज़ चल रही है, इस चीज़ को देखना है, इस चीज़ पे जाना है, ऐसा लेना है न्यूज़, ऐसा लेना है, तो क्या है। अब हालांकि देखो ये भी हो सकता है कि यहाँ पे ऐसा नहीं कि हर व्यक्ति के पास वो पहुंच जाए, जितने के पास पहुंची वो संभव है ना, लेकिन इसमें ज़्यादातर व्यक्ति तो होंगे ऐसे सक्रिय जो न्यूज़ को देखते होंगे,
अब भाई कोई ऐसा नहीं, देखिए आप खुद भी जानते हैं क्या आप न्यूज़ चैनल देखने में इंटरेस्टेड है नहीं, आप मूवी देख लेंगे टीवी पे, ठीक है गाने सुन लेंगे बढ़िया बढ़िया, लेकिन आप कितना न्यूज़ चैनल देखते हैं ये तो आपको पता होगा। तो जब न्यूज़ चैनल आप नहीं देख रहे तो आपको कैसे नॉलेज मिलेगी इस चीज़ की? तो इसके लिए क्या है, वही न्यूज़पेपर भी है, न्यूज़पेपर तो एक ही टाइम पर आएगा, ये तो है नहीं कि एक दिन का न्यूज़पेपर दिल्ली में आ जाए तो मुंबई में वो कल आएगा, नहीं, ठीक न्यूज़ हो गया। फिर वही मल्टीमीडिया साइड हो गई आपकी, सोशल मीडिया पे जो साइड चलते हैं आपकी ट्विटर फेसबुक, वो सब क्या है, मतलब सोशल मीडिया जो है पूरा का पूरा, उससे आप कनेक्ट हो सकते हो और एक ही सूचना को एक समय में सभी तक पहुंचा सकते हो, ये इसकी छठी विशेषता थी। अब बात करते हैं सातवीं विशेषता की इसकी, देखिए संदेश का यांत्रिक रूप, ठीक है संदेश का यांत्रिक रूप है। अब इससे क्या होगा, जो आपका संदेश है उसका विभिन्न प्रकार से आदान प्रदान होगा यांत्रिक रूप से, यानी कि इसको हम बोल सकते हैं एक प्रकार से बहुसंख्या में, ठीक है बहुसंख्या में। यहां पे क्या होगा, देखिए यांत्रिक रूप से आप किसी प्रकार जुड़ सकते हो, यांत्रिक रूप से आप एक खबर एक व्यक्ति को पहुंचा सकते हो और अनेक व्यक्ति को पहुंचा सकते हो, ठीक। अब एक व्यक्ति को पहुंचाने, अब मान लीजिए कि वो आपको डिसाइड करना है कि आपको कितने व्यक्ति को पहुंचानी है, मान लीजिए आपको एक व्यक्ति को एक खबर पहुंचानी है और उसके लिए आप उस न्यूज़ को टीवी पर डलवा दो, सोचिए तो क्या वो एक व्यक्ति को पहुंचेगी भैया, वो तो दुनिया जान में फेमस हो जाएगी, ठीक तो ये तो फेल हो जाएगा आपका। आप बोलो उसको अखबार में छपवा दो, न्यूज़पेपर में निकलवा दिया आपने, ठीक है क्या हुआ आपकी न्यूज़ का पब्लिकली हो गई, आप फेसबुक पर डाल रहे हो तो भी हो गए। लेकिन सोचिए आप फ़ोन का इस्तेमाल कर रहे हो, अपने मोबाइल फ़ोन का, ठीक आप मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल कर रहे हो या फिर मोबाइल फ़ोन पे ऐसे बहुत सी ऐप चलती हैं आपकी, व्हाट्सअप हो गया, ठीक है या आप पर्सनली मैसेज कर रहे हो, ठीक तो उससे क्या होगा कि आप जिस एक इंसान को भेजना चाहते हो उसी इंसान को जो आपकी सूचना है वो जाएगी, पब्लिकली नहीं होगी। अब यहाँ पे क्या है, आप अपनी मर्जी से यांत्रिक संदेश का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप चाहें एक व्यक्ति को भेजें तो वो एक व्यक्ति को जाएगी, आप चाहेंगे 100 व्यक्ति को भेजें जो आपकी खास है तो उन 100 को जाएगी, आप चाहते हैं कि पब्लिक में सबको जाए तो वो वैसे जाएगी, ठीक है ये आपके ऊपर निर्भर करेगा मास कम्युनिकेशन में कि कितने व्यक्तियों को ये सूचना जानी चाहिए। कभी कभी होता ना कि भाई आपने सूचना दी, ठीक है न्यूज़ वाले भी होता ना, बहुत से न्यूज़ वाले क्या बोलते हैं केवल यही न्यूज़ चैनल सच्चाई दिखाएगा दूसरा नहीं दिखाएगा, ठीक है या फिर दूसरे न्यूज़ चैनल झूठ बताते हैं आपको, ठीक है मतलब एक दूसरे की बुराई चलती रहती है, क्यों ना बिकाऊ मीडिया बन गया है, ठीक है गोदी मीडिया बन गया है, विभिन्न प्रकार की बातें आती हैं। तो वो क्या होता है कि जो कुछ दिखाया जा रहा है क्या वो सच है या गलत है। अब मान लीजिए कोई न्यूज़ चैनल वाला चाह रहा है कि भाई आपको जो सरकार सत्ता में है, हम देखिए किसी सरकार का नाम नहीं लेंगे, हम सत्ता और विपक्ष की बात कर लेते हैं, ठीक क्योंकि पढ़ाई से रिलेटेड करेंगे हम इसको केवल। अब हम बात करते हैं सत्ता दल जो है उसके बारे में अच्छाई दिखाना चाह रहा है कोई चैनल, भाई बोल रखा है भाई अच्छाई ही दिखानी है, तो वो क्या करेगा कभी आपके सामने बुराई लाएगा नहीं, आपको केवल अच्छाई दिखाएगा और किसके माध्यम दिखाएगा, वो यंत्र के माध्यम से। यंत्र क्या है उसके, टीवी मीडिया न्यूज़पेपर ये सब है उसके यंत्र एक प्रकार से, ठीक है वो आपको अच्छा ही गिनाता रहेगा कि सत्ता दल ने ये स्कीम लाई है उसके ये फायदे हुए ये लाभ हुए, हानि वो दिखाएगा ही नहीं आपको कि इससे कमियाँ क्या हुई हैं या किसको प्रॉब्लम हुई है नहीं, ठीक है और एक पीछे पड़ा उसके कि उसकी बुराई दिखानी है, वो उसके कभी लाभ नहीं बताएगा, कोई लाभ बताएगा तो उसको भी घुमा के वो बुराई में ही घुमाएगा कि इससे ये मुसीबत हो गई इससे ये मुसीबत हो गई, ठीक है। तो इस प्रकार से होता है कि ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप जनता को क्या देना चाहते हो जो संदेश का यांत्रिक रूप है उसके द्वारा, ठीक यहाँ पे संचारक या फिर जो प्रपक है उस पर निर्भर नहीं करता, प्रपक क्या पाना चाहता है, प्रपक बोलता है कि भाई मुझे तो जानना है कि सत्ता दल इस टाइम कितना स्ट्रांग है, okay, क्यों जानना है भाई तुझे, ठीक है या फिर हमारे जो प्रधानमंत्री या फिर होम मिनिस्टर है वो कितने साल जिंदा रहेंगे, भाई क्या क्वेश्चन है भाई ये तुम्हारा, क्यों जानना है आपको ये बात, ठीक या फिर क्या चल रहा है या फिर होम मिनिस्ट्री में सीक्रेट क्या है, ठीक कुछ भी ऐसी बात जो पब्लिकली नहीं की जा सकती उसको जानना चाहता है कोई इंसान, समझिए
तो वो क्या बोलेगा, भैया ऐसा है ये जानकारी आपको नहीं दी जाएगी। जैसे कि आप एक चीज जानते हैं RTI, राइट टू इंफॉर्मेशन, ठीक। अब ये राइट टू इंफॉर्मेशन है आपके लिए, ये एक सूचना का माध्यम है, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 एक्ट है, 2005 में बना हुआ, ठीक है, 2005 में बनी थी। अब क्या हर चीज इसके अंदर में आती है? भाई आप जानते हैं सूचना का अधिकार अधिनियम है हमारा, कि भाई राइट टू इंफॉर्मेशन, हम कोई भी सूचना ले सकते हैं। आप क्या पड़ोसी घर में लगा दोगे कि पड़ोसी के घर में आपने 10 रुपए की पर्ची कटवा ली कि भाई मेरे को अपने पड़ोसी घर में जानना है क्या चल रहा है? पड़ोसी मारेगा उठा करके, ठीक है, कहेगा अच्छा 10 रुपए में तो अपने घर की जानकारी दे दूं मैं, 10 रुपए की पर्ची कटती है ना उसकी, या फिर आप वो पोस्टल ऑर्डर होता है 10 रुपए का वो लगा दो तो उससे आपको सूचना मिल जाती है, या फिर आप ऑनलाइन अगर RTI लगाते हो तो उसमें आप अपने क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या नेट बैंकिंग 10 रुपए की पेमेंट कर सकते हो, तो 10 रुपए में आपको सूचना मिल गई। लेकिन ये सूचना कहाँ से आपको मिलेगी? केवल वहीं से मिलेगी जो RTI के अंतर्गत आते होंगे। अब आपका पड़ोसी नहीं आता भाई, आप कह रहे हो पड़ोस में क्या चल रहा है, मुझे जानना है पड़ोसी घर में चल रहा है, आप लगे हो RTI लगाने में, आप जाकर उठाकर PM को आपने कंप्लेंट कर दी, कैसा सिस्टम है आपका, सूचना नहीं मिल रही। वो कहेगा भैया लगा कहाँ रहे हो तो देखो, तो आपका माध्यम ही गलत हो जाएगा वो तो, ठीक है। यहीं आपने गवर्नमेंट ऑफिसर को लगा दी किसी को जो आता है, जैसे आपका गवर्नमेंट ऑफिसर कोई भी हो सकता है, उसको आपने दी, वो आपको जानकारी देगा, हालांकि उसका तरीका होगा देने का, कितने दिन में दे क्या ना दे, दिन में निश्चित होते हैं वो अलग चीज़ है, वो प्रोसेस हम यानी डिस्कस करेंगे। जैसे एक और मैं एग्जाम्पल, आपका बिजली डिपार्टमेंट होता है, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट होता है, BSES जो दिल्ली में चलता है, दिल्ली में चलता है आपका, तो वो भी RTI से अलग है, वो भी RTI के अंदर नहीं आता, ठीक। तो इस प्रकार से बहुत से ऐसे विभाग जो आएंगे जो नहीं आएंगे। तो सूचना के अंदर आपको क्या सूचना लेनी है, कौन उसके अंदर आ रहा है और उसका प्रारूप क्या होगा सूचना का, वो सब निर्भर करता है, ठीक है। तो इसकी अब 8वीं विशेषता हम लोग डिस्कस करते हैं, 8वीं विशेषता क्या है, और ये जो इसकी 8वीं विशेषता है ये अंतिम विशेषता होगी इसकी, ठीक। देखिए 8वीं विशेषता में क्या है इसकी, फीडबैक के बारे में, फीडबैक में विलंब या नहीं मिलना अब देखिए हम बात कर रहे हैं मास कम्युनिकेशन को लेकर के, जन संचार को लेकर के, ठीक है। अब अगर हम इसमें फीडबैक को देखेंगे, जनता अपनी राय देगी यहां पर, ठीक है। अब जनता जो अपनी राय देगी, क्या आप उसको कान पकड़ के ऐसा बोल सकते हो नहीं भाई अभी राय देनी है? होता है ना कि जो न्यूज़ वाले होते हैं वो क्या करते हैं, SMS कॉन्टेस्ट रख देते हैं कि SMS करके बताओ हाँ के ना, कौन सी सरकार जीतेगी, 5454999 पर आप SMS कीजिए और पाइए आकर्षक इनाम, ठीक। इस प्रकार की बातें होती हैं। तो क्या सभी लोग SMS करते हैं या सब अपनी राय देते हैं? हालांकि फेसबुक पर देने लग गए हैं लोग बाग, फेसबुक पर राय बहुत जल्दी आ जाती है और फ्री है, ठीक है, चला तो न्यूज़ वाला भी फ्री रहा, लेकिन न्यूज़ देखते ही कहाँ हैं लोग जो राय देंगे वहाँ पर अपनी, और राय का उनको कोई मतलब भी नहीं होता इतना, ठीक है। वो राय को भी नेगेटिव में आएगा तो आपको क्या पता कि नेगेटिव में राय दी है आप लोगों ने, कितने लोगों ने नेगेटिव में राय दी, वो पॉजिटिव दिखा सकते हैं उसको, या फिर पॉजिटिव में आएगा तो नेगेटिव दिखा सकते हैं उसको। कहते हैं ना कि भाई वोटिंग में छेड़छाड़ हो रही है, एक प्रकार से वही है, किसी वोट में छेड़छाड़ हो सकती है। वो सारे गांव में पहले चलता था एक सिंगिंग का, आज भी चलते हैं बहुत से ऐसे नाटक, तो बोलते हैं वोट करो, फिर बाद में बोलते हैं भाई वोट में छेड़छाड़ हुई है, जो जीतना था वो जीता नहीं, दूसरा बंदा जीता। तो आपको थोड़ी पता है, आपको अपना पता है कि आपने अपना मत किसको दिया, लेकिन सामने वाले का आप नहीं कह सकते कि उसने अपना मत किसको दिया, गुप्त मतदान है भाई, क्यों पता हुआ, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, फीडबैक जो है उसमें विलंब हो सकता है, आपने रख दिया, ठीक, होता नहीं कि आपने कोई स्कीम निकाल दी, बोलो 1 महीने के अंदर आप बताइए, 1 महीने के अंदर आप जवाब दीजिए, हम इसको इम्प्लीमेंट करें कि ना करें। कुछ लोग ऐसे होंगे कि 1 घंटे में जवाब दे देंगे, और कुछ होंगे उसको मतलब ही नहीं है, बाटा हम नहीं दे रहे, या कुछ लोगों को 15 दिन में दे देंगे, 20 दिन में देंगे, कुछ लोग होंगे लास्ट दिन में होगा। जैसे आप लोग होता ना कोई फॉर्म भरना हो, इससे आप जल्द समझोगे, कोई फॉर्म फिल आपको करना है, कोई जॉब का फॉर्म निकल गया, ठीक है, एक प्रकार से वो क्या है, आपको एक टाइम पीरियड दे दिया कि इस टाइम पीरियड के अंदर अपना फॉर्म भर दीजिए। जनता क्या करती है, चलो भर देंगे, अभी तो 1 महीना पड़ा है, चलो भर देंगे, अभी तो 15 दिन पड़े हैं। फिर लास्ट में दोस्तों को फोन करते हैं, अरे यार मेरे तो इंटरनेट की स्पीड नहीं है, नेटवर्क ही नहीं आ रहे यार, वेबसाइट क्यों नहीं चल रही, सेव ही नहीं हो रहा, तो ऐसी समस्या आने लग जाती हैं। क्यों? क्योंकि लोड बढ़ जाता है, लोड बढ़ने से वेबसाइट में प्रॉब्लम आ जाएगी। तो ये सब क्या है, एक प्रकार से
विलंब भी होता है फीडबैक मिलने में और मिलता भी नहीं है, कभी कभी ऐसी स्थिति भी आ जाती है। जहां पे होगा मिलता नहीं है वहां पे क्या होगा, जो जनसंचार के लोग हैं जो वो सक्रिय ही नहीं माने जाएंगे एक प्रकार से, क्योंकि उनको मतलब नहीं होता यार कौन क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। वो कहते हैं धक्का दो हमें कुछ नहीं मतलब, हमें पता है अपना सुबह 9 से 6 जॉब करनी है, शाम को घर आना है, घर वालों साथ मस्ती करनी है, सो जाना है, फिर अगले दिन यही काम। ठीक है, कुछ लोग होते हैं जो सोशल वर्कर होते हैं, एक्टिव रहते हैं, उनको थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ता है, वो लोग थोड़ा विलंब से भी दे देते हैं जवाब। कुछ लोग होते हैं पॉलिटिशियंस होते हैं उस टाइप के होते हैं, वो तुरंत भी देते हैं जवाब। ठीक है, तो यहाँ पर जो फीडबैक है वो डिपेंड करता है आपकी अपनी कैपेसिटी के ऊपर। और फीडबैक में देखिए ऐसा नहीं है केवल आप मास कम्युनिकेशन में जो हम बात कर रहे हैं कि आप किसी भी प्रकार से उसको ले सकते हैं, फीडबैक के ऑप्शन भी अलग अलग है। मान लीजिए आपको आपने चीज़ पढ़ी कहाँ, फेसबुक पर आपने चीज़ पढ़ी, ठीक है, फेसबुक पर आपने चीज़ पढ़ ली, अब वहाँ पर ऑप्शन आपको दिया हुआ है कि आप वहीं कमेंट कर दीजिए। आप जानते हैं फेसबुक पर कोई कमेंट करे तो कितना पड़ेगा यार, 1000 कमेंट आ जाएगा, थोड़ी ऊपर नीचे जाता रहेगा बंदा। मान लीजिए कि आपने जब कमेंट किया, ठीक है, आपने कमेंट किया, आपका नंबर 900 पे था, 900 पे आपने कमेंट कर दिया, ठीक, आपने तो कर दिया भाई कमेंट, लेकिन जिस बंदे के पास फीडबैक गया उसने 2 दिन तक देखा ही ना खोल करके, और आपके बाद में तकरीबन 1,00,000 कमेंट और आ गए। ठीक, अब जब 1,00,000 कमेंट और आ गए तो भाई वो लास्ट वाले को भी ना पड़े। ये सेम वैज सिचुएशन हो गई आपकी, जैसे आप किसी ग्रुप में हो, व्हाट्सएप का ग्रुप आप समझ लीजिए, आप व्हाट्सएप के ग्रुप में हो और आपने अपना इंटरनेट 2 दिन के बाद ऑन किया और उस ग्रुप में 1,000 मैसेज हो गए। ठीक, तो क्या आप सारे 1,000 मैसेज पढ़ते हो किसने क्या किया क्या नहीं किया, सब हटा देते हो, कभी कभी तो डिलीट, सीधा ऑल डिलीट, किस्सा खत्म। ठीक, तो वही वाली कंडीशन यहाँ पर है। तो ये हो गया आपका फीडबैक का फॉर्मेट, किसमें, मास कम्युनिकेशन में, कि विलंब भी हो सकता है और नहीं मिल सकता। और ये विलंब कहाँ होगा, ये जो संचारक होगा आपका, संचारक और प्रेपक, इन दोनों के बीच की जो कड़ी होगी ये उसकी बात कर रहे हैं यहाँ पर। विलंब भी है, नहीं भी मिलता है और जल्दी भी मिलता है, तीनों स्थिति यहाँ पर आ जाएंगी। यहाँ पर आप देखिए कुछ जो मैंने कंडीशन पढ़ाया था, तो ग्रुप वाला पढ़ाया था मैंने, ग्रुप में क्या बताया था कि तुरंत का तुरंत आपको मिलता है, फेस टू फेस ही मैंने पढ़ाया था आपको कि बंदा आपका फेस टू फेस है, आप चक्षु प्रमाण कर रहे हो, आपने आंखों से उसको देख रहे हो, तब भी क्या तुरंत के तुरंत फीडबैक मिल रहा है। लेकिन जनसंचार में तुरंत का भी ऑप्शन है आपके पास, लेट का भी ऑप्शन है और नहीं का भी ऑप्शन है, तीनों ऑप्शन इसमें चलते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो कम्युनिकेशन का 4 जो पार्ट मैंने बताया, 4 प्रकार है, वो 4 प्रकार हमने पढ़ लिए। ठीक है, अब इसके बाद इसके बारे में, कम्युनिकेशन के बारे में और जानेंगे नेक्स्ट चैप्टर, नेक्स्ट लेसन में। ठीक है, चलिए, थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं।